ठीक ठाक माशाल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सुबह हुई, बहुत से काम किए और इसके बाद अभी मैं बाहर रही हूँ केमिस्ट पे। जैसे आप मेरे बैग पे देख ही रहे हैं कि केमिस्ट है यहाँ पर, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मेडिकेशन लेने के लिए वेट कर रही हूँ। तो जैसे मेडिकेशन रेडी हुई तो इन शाला पर मैं लेकर एक दो काम और भी करूँगी। बाहर जा रही हूँ थोड़े से काम करने के लिए, फिर एक अपॉइंटमेंट भी है मेरी, उसके बाद फिर घर जाऊँगी। तो गाइस हम आते हैं यहाँ पे, बड़ी कुछ शॉपिंग भी करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे बेटे के लिए ईद के। तो मैंने कहा चलो बड़ी आ जाते हैं जल्दी जल्दी से, नेक्स्ट से देख लेती हूँ कपड़े। और मार्क्स स्पेंसर से मुझे पास्ता सॉस लेना था और कुछ और चीज़ें, तो चलो चल के आप भी देखें कपड़े मेरे साथ। तो जी यहाँ पर हम क्रेग्स पे आए, तो यहाँ से पिज़्ज़ा लिया मैंने अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो घर पे ही था। तो उस वक्त मैंने कहा चलो उसके लिए ले जाती हूँ, जब घर जाऊँगी तो फिर उसको गर्म करके दूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वो क्रेग्स से पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता है। तो कुछ केक वगैरह भी मैंने यहाँ से लिए थे। फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पे आ गई और मुझे कुछ पिज़्ज़े फ्रोज़न वाले चाहिए थे घर पे रखने के लिए, पाई वगैरह, और इसके साथ मुझे डाइट कोक वगैरह चाहिए थे, ड्रिंक्स वगैरह। तो फिर मैं यहाँ से आके लेके चली गई, क्योंकि काफ़ी मुझे क्वांटिटी चाहिए होती है ना काफ़ी सामान, तो इसलिए मैं इकट्ठा ही ले लेती हूँ। तो मैंने फिर यहाँ से आके ना फ्रोज़न जितना भी सामान मुझे चाहिए था वो ले लिया। तो अभी जी यहाँ पर बस अपनी अपॉइंटमेंट पे पहुँची हूँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, सुबह इतना प्यारा मौसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर बारिश शुरू होगी और धूप सारी चलेगी, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी वापस। और जी सुनाए कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? मैं अभी बस रेडी होके आई हूँ, तो अभी हम निकलने लगे हैं बाहर, बेटे की है एक अपॉइंटमेंट, तो उसके बाद हमें शॉपिंग सेंटर में जाना है ओल्डम, वहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे जाना है और रोलर से उसने पिज़्ज़ा खाना कह रहा है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें लेनी, ईद की शॉपिंग करनी है, तो जिस तरह से ही मौका मिला तो हम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते रहते हैं। और जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ब्लड की अपॉइंटमेंट पे, तो मेरा बेबी सो रहा है, सोते नहीं रहा है, ड्रामा कर रहा है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जी बस छोटा सा ये एक साइड है डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे हम देते थे ब्लड। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, तो बेटे के ब्लड की अपॉइंटमेंट थी तो उसने ब्लड देना था, तो ब्लड वगैरह उसको चेक करते रहते हैं ना रेगुलरली, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे आके उसको ब्लड दिया। तो सर्दी काफ़ी थी, बेटा का दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ और ब्लड देने के लिए, वो कहता था मुझे गाड़ी में ही छोड़ दे, गाड़ी में ही मुझे बुला ले उन्हें यहाँ पे आके, ताकि मेरा ब्लड जो है वो गाड़ी में ही आके ले ले। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कोई होता है, लोगों को मजबूरी हो तो ही आते हैं, वो ऐसे गाड़ी में नहीं आके ले सकते। तो फिर उसे निकलना ही पड़ा, सिर्फ ब्लड ही देने थे, तो उसके बाद फौरन हम वापस आ गए वहां से। उसके बाद हम आए यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे, कुछ कपड़े कुछ ग्लासेस वगैरह लेनी थी, तो वो देखे हमें कपड़े कुछ कोई खास इतने पसंद नहीं आए, तो दो तीन दुकानें और थी वहां पे भी हम गए, तो ग्लासेस मेरे हस्बैंड को पसंद आई तो वो हमने ली है यहाँ से, और एक बैग था रक्षक बैग जो था वो लिया हमने, तो बेटे की व्हीलचेयर के पीछे रखना होता है ना, तो फिर मैंने कहा चलो वो एक ले लेते हैं बैग, तो हमने बैग वहां से ले लिया। और फिर जो यहाँ से हमने रोलर्स का पिज्जा लिया, तो कुछ सैंडविच वगैरह लिए, क्योंकि मेरे बेटे को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, ग्रेग्स का पिज्जा लंच में मैंने कहा ये क्या, ग्रेग्स का पिज्जा खाया अब शाम को भी पिज्जा ही खाना, नहीं मुझे पिज्जा ही खाना है, तो ये उसका ना फेवरेट होता है, जब भी मैं जाती हूँ ना रोलर्स के पास से तो डेफिनेटली उसने रोलर्स का ही पिज्जा लेना होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो केक है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला खास तौर पे ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ना ये तो हमें बहुत पसंद है, और हम बहुत शौक से ये वाला केक खाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं करीज, तो करीज में हमने जाना है
और इसके अलावा एजरा में मैं जाऊंगी और आर्गस में जाऊंगी, थोड़ा सा काम वहाँ पर भी है। तो अभी हम जाते हैं करीज में, पहले करीज से कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें लेनी है। तो बेबी तो मेरा भाग के जा रहा है अंदर। और भाई यहाँ पे हम आ गए टेस्को में। तो टेस्को में आके भी हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है, टेस्को से पहले भी एक दो शॉप्स पे गए थे। तो फिर हमने कहा चलें जल्दी से यहाँ से भी ब्रेड वगैरह ले लें घर जाने से पहले। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे सिंपल सा खाना चाहिए, फिश फिंगर मैश और सब्जी वगैरह। तो ये जैसे कि मैंने बनाया फिर सिंपल सा ही खाना और साथ में ग्रेवी, और ग्रेवी के साथ साथ फिर सैलड यहाँ पे मैंने साथ में दे दी और कोसलो वगैरह। तो कहते थे कि मुझे सिंपल सा ही खाना, मुझे मिर्चें वगैरह नहीं ज़्यादा खानी थी।